हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। तो मैं हूँ उषा और इस वक्त हम हैं आज आगरा के ताजमहल में। तो आप देख सकते हैं हम तो आए हैं ये पश्चिमी गेट से आए हैं और ये है, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पहले मीना बाजार लगता था जो इस वक्त सरकार ने बंद कर दिया है। पुराने समय में जो कारीगर होते थे, ये ताजमहल बनाने के लिए जो 22 साल लगे थे उसमें जो कारीगर काम करते थे वो यहाँ पे रेस्ट किया करते थे। तो ये 210 रूम्स हैं, ये सब कारीगर रेस्ट के लिए बनाए गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 गेट हैं। तो आते हैं सभी यहाँ से आते हैं और यहाँ पे यहाँ पीछे देख सकते हैं बैक साइड में ये साउथ गेट है। ये पहले जो परंपरा प्राचीन समय में थी वही चली आ रही है। पहले यहाँ लोकल जो कारीगर रहते थे वो आते थे और अब भी यहाँ पे जो इसके पीछे जो लोकल आबादी है वो आती है। और ये है VIP गेट, ये वाला पहले समय राजा महाराज आते थे और अब भी यहाँ से VIP लोग आते हैं। ये गेट VIP लोगों के लिए शाही गेट है और ये तीनों रास्ते शाही गेट में आके ही मिलते हैं। ताज के अंदर जाने के लिए इसी गेट से एंट्री होगी और फिर हम ताजमहल के अंदर जाएंगे। यहाँ देखिए बिल्कुल आपके सामने दिखाई दे रहा है ये, तो आइए देखते हैं आगरा का। आपका है ताजमहल, शायद आपको दिखा होगा शाहजहाँ और मुमताज की याद आएगी बिल्कुल आपको। तो इसलिए बिल्कुल निकल के सामने आ गया है। तो ये शाहजहाँ ने पीछे ये राजा महाराजाओं के ज़माने की है और आज भी ये इसी तरह से है। ये 53 की संख्या में है। यहाँ पार्क हैं वो 16 की संख्या में से बना है। तो आप देख सकते हैं ये राजस्थान से मंगवाया हुआ था ये, और ये जो लाल पत्थर यहाँ पे यूज हुआ है ये फतेहपुर सीकरी से मंगवाया गया था। तो यहाँ बिल्कुल आगरा में ये बाग है। तो इस तरह से और ये थेरेपी पॉइंट है। तो आइए हम बैठ के देखते हैं। फाइनली हम आ गए हैं आगरा के ताजमहल के बिल्कुल नज़दीक। आप देखो मेरे बैक साइड में आगरा का ताजमहल है और बेहद खूबसूरत। तो आप देख सकते हैं कि तो आइए अंदर से चल के देखते हैं। तो अंदर जाने के लिए हमें यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा क्योंकि इस रास्ते से हैं। और आइए वहाँ टिकट लेते हैं और फिर एंट्री मिलेगी हमें। की तरफ टिकट है और यहाँ बिल्कुल ताजमहल को नज़दीक से अगर आपको देखना है तो यहाँ टिकट लेना होगा। ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं। ये देखिए ताजमहल इतना नज़दीक से, और इसके ऊपर चढ़ने के लिए बिल्कुल नज़दीक से जाने के लिए हमें लेना होगा इसके लिए टिकट। अब देखिए ये जो ताजमहल है ये चारों दिशाओं से आप देखेंगे तो सेम लगेगा। ये एक तरफ से देखा गया है एक दिशा से, तो बिल्कुल यही इसी तरह का
तो आइए चलते हैं। ये मस्जिद है, ताजमहल के एक तरफ मस्जिद है और दूसरी साइड में मेहमान खाना है जो कि दूसरी साइड है। ये मस्जिद आप देख सकते हैं, ये सुरंग है और कहा जाता है कि प्राचीन समय में ये सुरंग थी और ये पोर्ट वहाँ खुलती थी ये सुरंग, लेकिन सरकार ने बंद कर दिया। आप देख सकते हैं ताजमहल के इस साइड में जो आप नदी देख रहे हैं ये यमुना नदी है, जो आप देख रहे हैं उस तरफ यमुना नदी के उस तरफ ये मेहता ताज है, जो भी शूटिंग वगैरह होती है स्टार वगैरह आते हैं वहाँ से शूटिंग करते हैं। और ये ताजमहल का बैक साइड में बहुत अच्छे से फ़ोटो आ जाता है क्योंकि ताजमहल के ऊपर पिक्चर लेना अलाउ नहीं है, फिल्म शूटिंग नहीं होती है, आप देख सकते हैं ये ताजमहल है। यहाँ देखिए ये ताजमहल किसी भी एंगल से देखा जाए तो बिल्कुल सेम ही दिखेगा, और इसके साइड जो हमने मस्जिद देखी थी एक तरफ और ये दूसरी साइड आप देख सकते हैं ये मेहमान खाना है। और यहाँ पे क्या प्राचीन समय में जो राजा हुआ करते थे उनके जो गेस्ट होते थे वो यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल इसमें कारीगरी की गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कलाकारी उस जमाने में, तभी दुनिया इसे सातवें अजूबे के नाम से जानती है। कहाँ कहाँ तक जाने देंगे? ये अंदर तक जाने देंगे, मुझे पब्लिक देख रहा होगा यहाँ तक। ताजमहल के नज़दीक जाने के लिए तो आइए, नज़दीक आ गए हम, देखो वही पैरों में पहन के ही जाने दिया जाता है, आसानी से बाहर 10 रुपीज में मिल जाता है, इस तरह से फिर एंट्री होगी ताजमहल के अंदर। ताजमहल को देखिए आप और इसको सिल के देखिए, बेहद खूबसूरत। वेलकम, देखिए आप आ गए हम फाइनली आगरा के ताजमहल के बिल्कुल नज़दीक, और अंदर आप देख सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल वंडरफुल, ये देखिए पूरा मार्बल से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत। इसके एक और जो कि जैसा कि हमने पहले देखा था ये मस्जिद है और ये ताजमहल, और इसके एक इस साइड में मेहमान खाना देख सकते हैं, ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। और ये देखिए शाही दरवाज़ा, और यहाँ से टूरिस्ट ला के आप बहुत ही ज़्यादा घूमने आए हुए हैं, और खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ख्वाजा और मुमताज का मकबरा है, वो भी ओरिजिनल के नीचे है जो सरकार ने अभी बंद कर दिया है, हमें सिर्फ डुप्लीकेट देखने को मिलता है, अंदर का वीडियो हम नहीं बना पाएंगे।